अपहरण, हत्या, बलात्कार, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग, यानी सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आई नज़र डालते हैं आज किन खास सुर्खियों पर। डीजी के शोर में नाबालिग के साथ बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद ट्विटर, कंतरा की सफलता के बीच इस फिल्म से कटा ऋषभ शेट्टी का पद। अब खबरें विस्तार से। डीजी के शोर में नाबालिग के साथ बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान 7 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई है। आरोपी नाबालिग को मैरिज हॉल से उठाकर अपने साथ ले गए और फिर रेप किया। गंभीर हालत में मिली मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेप करने वाला का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया और दूसरा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन मौके से उसकी बाइक बरामद हुई है। दरअसल शहर के बंथारा थाना इलाके में मौजूद मैरिज हॉल में शनिवार रविवार की दरमियान रात शादी समारोह चल रहा था। डीजे पर तेज आवाज गाने में बज रहे थे। रात करीब 1 बजे दो युवकों ने लोगों की नज़रों से बचते हुए शादी में आई 7 साल की मासूम को पकड़ा और एकांत में ले गए। इसके बाद दोनों ने एक एक कर मासूम का रेप किया। इधर हॉल में मासूम दिखाई नहीं दी थी तो उसकी तलाश शुरू की गई। पूरे हॉल में बच्ची को ढूंढा जा रहा था, तभी किसी को उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। जहाँ उसने चीखने की आवाज़ आ रही थी, जब लोग वहाँ पहुँचे तो मंजूर देख कर सभी के होश उड़ गए। लोगों ने तुरंत ही मासूम के साथ गलत काम करने वाले एक युवक को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गया। ADCP साउथ मनीषा सिंह ने कहा है कि मासूम के साथ हुए रेप मामले में उसके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। रेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरा आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हार के बाद ट्विटर पर भिड़े वसीम, जाफर और माइकल वॉन। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बता दें कि माइकल वॉन ने टीम इंडिया को नसीहत देते हुए कहा है कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया को अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। साथ ही माइकल वॉन को लगता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेले गए वनडे मैच के टीम में द्वारा 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों को खिलाने की वजह से टीम को हार मिली। इसको लेकर वॉन ने एक ट्विटर भी किया है जिसमें एक न्यूजीलैंड को एक आधुनिक टीम बताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी माइकल वॉन सुर्खियों में थे, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए कहा था कि इंडिया को बल्ले से और अधिक आक्रामक होने की ज़रूरत है। बता दें कि वॉन ने क्रिकेटरों के एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है जिन्होंने अधिक गेंदबाजी विकल्पों की आवश्यकता है और उन्हें बल्ले से अधिक आक्रामक होने की ज़रूरत है। कांतारा की सफलता के बीच इस फिल्म ने कटा ऋषभ शेट्टी का पत्ता। कांतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी के हाथ से डायरेक्टर और एक्टर रशीद शेट्टी की बैचलर पार्टी फिल्म निकलती दिख रही है। इसके पीछे बड़ी वजह सामने आई है। साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार ऋषभ शेट्टी ने इस साल फिल्म कांतारा से हर किसी को प्रभावित किया है। कांतारा के जरिए ऋषभ शेट्टी ने सफलता के नए मुकाम को हासिल किया है। इस बीच ऋषभ शेट्टी ने आने वाली फिल्म बैचलर पार्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि साउथ के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रशीद शेट्टी के बैचलर पार्टी से ऋषभ शेट्टी का पट्टा कट रहा है। महज 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी ऋषभ शेट्टी के कांतारा इस फिल्म ने कमाई के आंकड़े तोड़ दिए। कांतारा ने दुनिया में 400 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई की है, जबकि हिंदी बेल्ट ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कम कलेक्शन किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।